नमस्कार विद्या राय, आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। तमाम वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने अपने विचारों को रखा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शिव गोविंद साहू ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दिया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के तमाम सभासद अधिकारी गण व कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सबकी नज़र से बातचीत के दौरान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री गोविंद साहू ने कहा कि शीघ्र ही नगर मुगराबाद शाहपुर में काली सड़क व इंटरलॉकिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि लगभग 1 करोड़ के बजट से नगर का विकास होगा। सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, झंडा आपने ध्वजारोहण किया, आज़ादी आपने मनाया, नगर के आप मुखिया माने जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद के आप चेयरमैन हैं, क्या कुछ संदेश नगर के लिए देना चाह रहे हैं? आज आज़ादी का आज ये 75वां वर्ष है। इस पवित्र त्यौहार पे, राष्ट्रीय पर्व पे मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ अपने नगर के अति सम्मानित जनता को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय पर्व है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में हमारे सभी सम्मानित नगरवासीगण, हमारे अति सम्मानित हमारे सभासदगण और जनता जनार्दन, पत्रकार बंधु सभी लोग उपस्थित थे, काफ़ी संख्या में आए थे, सबको हृदय से धन्यवाद दिया। और इसी के मौके पर आज हम अपने इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर कुछ हमने अपने संबोधन में मंच पर नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द नगर की 2 मुख्य सड़कें, काली सड़कें जो अपने कटरा मोड़ से लेकर नई बाजार तिराहा तक और कटरा मोड़ से लेकर इधर प्रतापगढ़ चुंगी तक और 5 नए इंटरलॉकिंग का कार्य बहुत ही जल्द हम कराने जा रहे हैं। विकास की घड़ी में नगर पालिका नगर के लिए समर्पित करते हैं। लगभग कितने का फंड होगा? लगभग 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का जी। चेयरमैन साहब, आज आज़ादी दिवस पर क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं स्वच्छता मिशन को लेकर के? जी, हम संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने पूरे नगर को पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के प्रति हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। बराबर ही हमारे नगर में सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। आगे भी हमारा जो भी प्रयास रहेगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम अपने नगर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर रखेंगे और इसी के साथ वृक्षारोपण का भी कार्य करेंगे ताकि हमारा नगर हमेशा खुशहाल और सब स्वस्थ बने रहे। हमारे स्वच्छता के प्रति हमारे नगर के लिए एक बड़ा ही अच्छा विषय है। अभी हमने शासन से मुकनी ग्राम सभा में 9 एकड़ की भूमि अपने अथक प्रयास से हमें प्राप्त हुआ माननीय DM साहब के द्वारा, और जिससे हमारे नगर का सारा कचरा कूड़ा वहाँ डंपिंग स्थल बनाया जाएगा, वहाँ रिसाइकलिंग किया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, सारा कूड़ा यहाँ से वहाँ जाएगा, हमारा नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेगा। चेयरमैन साहब, जहाँ आप नगर की स्वच्छता की बात करते हैं, नगर के निवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के, व्यापारियों के लिए एक संदेश दे दीजिए कि कूड़ा घर पर जो रखते हैं, बाहर रखते हैं, वो ना रखें, वो कूड़ेदान में ही फेंकें। हम अपने सभी सम्मानित नगरवासियों से अपील करना चाहेंगे कि हमारा स्वच्छता अभियान है, आपका पूर्ण सहयोग होना चाहिए, आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हों, हमारा आपका सबका दायित्व बनता है, कूड़े को कचरे उसमें डब्बे में डालें, सड़क पे ना फेंके, जिससे हमारा नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे। आज़ादी के मौके पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री गोविंद साहू ने एक नया तोहफा दिया है, नगर वासियों को विकास का तोहफा दिया है। आपने कहा बहुत जल्द ही नगर मुगराबाद शाहपुर में इंटरलॉकिंग से लेकर के काली सड़क तक 1 करोड़ लगभग फंड आप निवेश करेंगे और निर्माण कार्य बहुत जल्द ही चालू होगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।